ऐसे लेकर ऐसे करके लेकर जाना पड़ेगा यार। ऐसे सीधा निकलोगे तो मनाली निकलेगा, तो एक दो दिन में भाई उधर ही निकल रहा हूँ मनाली। भाई ये साइकिल कितने का? ये है अभी 1,10,000 का है। 1,10,000 का भाई बता रहा है, सबसे महंगी वाला साइकिल कौन सा है? अभी ये अभी 1,70,000 का है। ब्लीड करने की जरूरत नहीं है, ब्लड फर्स्ट क्लास काम कर रहा है जी। बाकी Everything is fine. हम पहुंच गए स्टॉक महल, ये भी पुराना राजा का महल है। आगे का नजारा, आगे से भाई कितना सुंदर दिखता है। मेरा साइकिल पूरा बन गया, हमारा दाई ने पूरा बना दिया, थैंक यू सो मच दाई। और इसका खर्चा कितना? वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग शुरू हो चुका है गाइस लद्दाख से, और मैं जा रहा हूँ गाइस साइकिल सर्विसिंग करने के लिए, और एक दो दिन में गाइस मैं यहाँ से निकल जाऊँगा मनाली की ओर। कितना दिन हो गया भाई मैं लद्दाख में रुका हुआ, पता ही भी नहीं है। लेट्स गो, आराम आराम से जाएंगे यहाँ से। गाइस मुझे 6-7 किलोमीटर नीचे जाना होगा सोबू गाँव में। ओहो हम निकल आए गाइस मार्केट में, ये है मेन हाईवे। यहाँ पर भी साइकिल शॉप है गाइस, पर सर्विसिंग का 3,000 बोल रहा था। देखेंगे नीचे जाके गाइस कितना लेगा। इतना दिनों से गाइस मैं साइकिल सर्विस नहीं किया ना, तो सर्विसिंग करूँगा, उसके बाद मनाली जाऊँगा, और दिल्ली मुंबई भी तो आना है। इंडिया में गाइस दिसंबर तक रहूँगा, और 2025 से इंटरनेशनल राइड शुरू होगा। चलो भाई आराम आराम से घूमते, कोई टेंशन नहीं है। और ये है लद्दाख का पुलिस का गाड़ी। अभी हम आया गाइस यहाँ पर नाश्ता करने के लिए। देखो नमकीन चाय सेस, ये है गाइस लोकल एक्सपीरियंस इधर का। पूरा घी है भाई, इतना ज्यादा घी। और यहाँ पर देखो भाई रोटी, वाओ मजा आएगा। दही एक आटा का रोटी है क्या, इतना बड़ा बड़ा। चलो पीते। दही इसको नमकीन चाय क्यों बोलते हैं? सिंपल सा है ना आंसर, क्यों नमकीन चाय बोलते हैं? क्योंकि नमकीन है। और लाल है, ज्यादा ही नमकीन है भाई, ज्यादा ही मजा आ गया। कसम से यार ये खा के मजा आ गया, दिल खुश हो गया। नहीं खाया आपने? अच्छा पहले नहीं यार, फर्स्ट टाइम लद्दाख में खाया था सीधा, फर्स्ट टाइम नमकीन चाय। बहुत अच्छा लगा था। ऑमलेट और दाल भी आ गया, ऑमलेट और दाल भी बहुत मस्त होता है यार। ठीक है भाई, बाद में मिलेंगे, हैव अ नाइस डे। ओके कॉल करूँगा। सो गाइस अब मैं जाऊँगा सीधा नीचे साइकिल सर्विस करने के लिए। चलो चलते गाइस, पूरा पेट भर गया। यू दाई बाय बाय, इधर से जाना होगा क्या? हाँ इधर से जाएंगे गाइस, पूरा तेज जाएंगे यार, मजा आएगा। बिग क्रेजी ऑलवेज रॉक्स गाइस, तूफान जाएंगे, तेज जाएंगे। ऐसे तो कौन सा रास्ता जाना होगा पता नहीं यार मुझे तो, शायद ये रास्ता है। जिधर भी चलो भाई अपना ये मिट्टी घुस रहा है आँख में, चश्मा नहीं ले आना। ओहो आगे जा रहा है गाइस कार। तो गाइस मुझे हॉर्नबिल जाने का बहुत ही इच्छा है, दिसंबर में शायद वो इच्छा भी पूरा हो जाएगा, और हॉर्नबिल जैसे कवर करेंगे ना तो उसके बाद गाइस मैं निकल जाएगा इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। कौन सा कंट्री गाइस जाओ बता देना। वैसे तो मैं आप लोग को ऑप्शन दे देता हूँ, चाइना, थाईलैंड, भूटान। पहुँच गया गाइस हाईवे में, यहाँ से सीधा निकलोगे तो मनाली निकलेगा, तो एक दो दिन में भाई उधर ही निकल रहा हूँ मनाली। तो मैंने सुना है गाइस मनाली का रास्ता थोड़ा टफ है, दूर दूर तक आपको घर वगैरह नहीं मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा हिमालय देख रहे हैं भाई, ये है लद्दाख। ओ भाई ऐसे गाड़ी चाहिए मुझे लाइफ में, स्कॉर्पियो। मुझे लेफ्ट की ओर जाना होगा। वेलकम टू मॉडल वैली सोबो, ऐसे भी हो सोबो बोल दे यार। तो यहाँ से थोड़ा नीचे 1-2 किलोमीटर, उसके बाद चेकआउट करेंगे मेरा साइकिल बनेगा या नहीं बनेगा। वैसे तो बन जाएगा,
प्राउड टू बी बी क्रेजी इज ऑलवेज क्रेजी गाइस, कमेंट करना हाँ मैं क्रेजी हूँ या नहीं हूँ। यहाँ पर ना गाइस एक मेरा नेपाली दाई है तो उसको कॉल करेंगे, उसका पहचान का है तो थोड़ा कम रेट में बन जाएगा, सर्विस हो जाएगा। हेलो दाई, म पुगे हजुर, म आइपुगे हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ? ए हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ल ल देखे देखे दाई मिल गया, अभी जाएंगे अच्छे से बनाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे। ओहो बल्ले बल्ले, आज मेरा साइकिल का सर्विसिंग होगा, बहुत खुश हूँ यार, एकदम बढ़िया। रुजिला से आ रहा था उसने, हाँ देखा था साइकिल पे ना, हाँ साइकिल में। कब पहुँचा ले में? ले में एक हफ्ते से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। रुजिला से आ रहा था, देखा था उस टाइम में। कहाँ से स्टार्ट किया था? मैं नेपाल से, नेपाल से पूरा साइकिल, पूरा नेपाल से साइकिल में। ठीक है हम पहुँच गए साइकिल शॉप में। जुले कैसे? बढ़िया है। कैसे हो? बढ़िया एकदम। ओ काफ़ी बढ़िया साइकिल शॉप है। क्या हो गया? वैसे तो हुआ कुछ दिन नहीं, इसको एक बार सर्विसिंग करना है, सर्विस हो जाएगा। और जो इसका सामान खराब है ना, मुसीबत, टेक्नीशियन अभी नहीं है। ओहो कहाँ पर? कल कल हो जाएगा, अगर कल रखे जाएंगे तो छोड़ देंगे तो हो जाएगा। आप कब जा रहे हो वापस? जैसे सर्विस हो जाएगा तो मैं निकल जाएगा। अच्छा। ऐसे ऐसा करते हाँ। अभी कुछ कुछ टाइम के बाद आ जाएगा बंदा ना, हाँ अगर वो कर देगा तो कर देगा, है ना? ठीक है पूछेंगे। ये है नेपाल में बिल्ट होता है, कस्टम है, कस्टम। अच्छा वो तो अच्छा डाला है आपने, हाँ हाँ स्पेसिफिकेशन तो ठीक लग रहे हो मुझे, सब अच्छा है, बढ़िया है। आप गेस करो कितना का होगा ये साइकिल? पता नहीं यार। इसमें जब से मैं ट्रैवल किया ना, आज 60 डेज होने वाला है, तब से मैं सर्विस नहीं किया ज्यादा ऑफ रोड। कितना होने वाला है? कितना टाइम हो गया? 60 दो महीने होने वाला है, दो महीने शायद हो भी हो गया होगा, इसलिए इसको सर्विस नहीं किया ना। तो अभी मनाली जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, महाराष्ट्र मुंबई जाऊँगा, तो एक बार मैं सोच रहा हूँ सर्विस करके जाऊँ। वैसे तो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर सर्विस करने से थोड़ा कंडीशन होगा ना साइकिल। ठीक है आने दो लड़के को, अभी शायद आ जाएगा अभी दोपहर में ना। अच्छा ठीक है, कितना 3 बजे तक आ जाएगा वो? ओके ठीक है, तो उसके हम करवा देंगे। तो देखेंगे भैया के पास कौन कौन सा साइकिल है। ये है ट्रैक, काफ़ी बढ़िया है यार ये भी। दाई ये देखो दाई, ये साइकिल कितने का? ये है अभी 1,10,000 का है। 1,10,000 का अभी डिस्काउंट पे आ रहा है, 90,000। ये देखो भाई, जो लोग गाइस साइकिल बिलीव नहीं करते ना, इतना महंगा भी साइकिल होता है, खुद भाई पूछो, मतलब भैया बता रहे हैं, दाई बता रहा है सबसे महंगी वाला साइकिल कौन सा है। अभी ये अभी 1,70,000 का है, ये सबसे महंगा वाला टूरिंग बाइक है। ये तो वो रेसिंग रोड रेसिंग है, टूरिंग बाइक है, टूरिंग बाइक है। आपके पास माउंटेन बाइक नहीं है दूसरा? माउंटेन बाइक से वो सारे हैं माउंटेन बाइक। अच्छा तो गाइज हमारे उधर तो एक बंदे का है मेरा दोस्त का 5,00,000 का साइकिल, और एक का है 10,00,000 का। मेरा तो भाई कुछ भी नहीं, मतलब साइकिल का प्राइस इतना हाई है ना, और उधर नेपाल में इतना क्रेजी है ना भाई, साइकिल में पूरा बाइक को छोड़ के भाई साइकिल को खरीदता है, और एक पार्ट्स का एक टायर का कितना लेता है 10,000 से ऊपर। ये भी महंगा वाला है। ए दाई ये कितना का? ये है अभी 70 समथिंग का है ना। 70? हां मार्लिन, मार्लिन 6 है वो। अच्छा मार्लिन, हां 69 का है अभी ऑनलाइन प्राइस। साइकिल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी थोड़ा घूम लेंगे दाई के साथ। ये देखो दाई का कार है, कार तो हम जाएंगे घूमने के लिए। सोचा नहीं था यहाँ पर इतना गर्म होगा, हम जा रुके ना ले बाजार में, वहाँ पर तो बहुत अच्छा मौसम है, यहाँ पर भाई इतना ज्यादा गर्मी, भाई साहब। तो जी भाई हम पहुंच गए इस्तक महल, ये भी पुराना राजा का महल है, और यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये पूरा मिट्टी का है क्या? मिट्टी और पत्थर से बना है ना, इतना सुंदर होता है यार, वो भी महल।
ये देखो पूरा मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है यार, लिटरली मैंने इसको मिस कर दिया था। कितना सुंदर देखते है यार दाई, सच में पहले महल था, अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट बनाया है। आप यहाँ पर आके गाइस फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, खा सकते हो। गाइस पूरा देख लिया और आप लोगों को नजारा भी दिखा दिया, अभी यहाँ से निकलेंगे बाय। इधर आके स्टॉक महल भी देख लिया, पूरा फ्लावर है, कितना अच्छे से सजाया हुआ है। देखा गाइस सबसे पुराना टीवी स्टेशन, ये देखो यही है ले का सबसे पुराना टीवी स्टेशन। हम पहुंच गए इस तो गुम्बा में और यहाँ पर देखो बहुत बड़ा बुद्ध भगवान की स्टैचू है। ये पीछे का नज़ारा, अभी हम आप लोगों का आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे। यहाँ पर गाइस पूरा पेंटिंग हो रहा है, ये देखो ये है आगे का नज़ारा। आगे से भाई कितना सुंदर दिखता है और दूर से कितना सुंदर दिखता है ये तो। ओ यहाँ पर अभी भी गाइस काम चल रहा है। मैं पहुंच गया अभी साइकिल शॉप में और मेरा साइकिल पूरा बन गया, फर्स्ट क्लास साइकिल है ये देख सकते हो। दाई पूरा रेडी हो गया ना? हाँ रेडी हो गया एकदम है ना। इसको क्या क्या चेंज, मतलब कुछ नहीं किया है, इसको हमने धोया है जी और थोड़ा सा चैन ल्यूब लगाया, ठीक है, डीग्रीसर लगाया, चैन ल्यूब लगाया जी, बस बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब आपने देखा। ब्रेक पैड सही है, ब्रेक मतलब वो ठीक है, मिनरल ऑयल डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी जी, ब्रेक को ब्लीड करने की जरूरत नहीं है, ब्रेक फर्स्ट क्लास काम कर रहा है जी, बाकी एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन ना, ठीक है। दे और इसका जो चेन वगैरह है ना, वो चेन एकदम सही है, अभी सही है ना, अभी चेन सही है। अच्छा ठीक है दाई, तो गाइस देख सकते हो मेरा साइकिल फर्स्ट क्लास है। मुझे लगा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए सर्विस, क्योंकि गाइस मेरा सब कुछ ये है ना, अगर मेरे पास साइकिल नहीं होगा तो मैं ट्रैवल कैसे करेगा। तो अभी साइकिल तो फर्स्ट क्लास है, इसको बैनर चेंज करना पड़ेगा और ये देखो पूरा रेडी हो गया साइकिल, तो अच्छे चल रहा है गाइस, फर्स्ट क्लास बन गया, अभी देखेंगे कितना चार्ज करेगा। फुल सर्विसिंग नहीं हुआ ना, फुल सर्विसिंग होता तो कम से कम 2500 से 3000 ले लेता, अभी देखेंगे गाइस रिटर्न हो जाऊंगा। साइकिल तो एकदम मस्त है, थोड़ा ब्रेक में थोड़ा आवाज आ रहा है ना दाई, तो देखेंगे क्या सीन है, इसको फुल अच्छे से बनाएंगे उसके बाद निकलेंगे। अब आवाज नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो मैं करता हूँ। हाँ अभी भी आ रहा है यार, मेरा साइकिल पूरा बन गया और हमारा दाई ने पूरा बना दिया, थैंक यू सो मच दाई। और इसका खर्चा कितना? कोई नहीं आप ले लो। ओ भाई पूरा फ्री में बना दिया भाई, मैं बहुत खुश हूँ यार, साइकिल बन गया, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर ठीक है जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अभी निकलेंगे यहाँ से, साइकिल को इसमें डाल के ले जाएंगे। कुछ डालना, ये साइकिल होगा या नहीं होगा, देखेंगे गाइस मेरा साइकिल होगा या नहीं होगा। ऐसे लेके ऐसे करके लेकर जाना पड़ेगा यार, दाई हो तो गया, इसको क्लोज कैसे करेंगे इसको? अच्छा करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे करके गाइस अब अपुन का साइकिल लेकर जाएगा। साइकिल मेरा गाइस पूरा बन गया, पहला यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी जाएंगे सीधा ले में और उधर जाके गाइस एक दो दिन में निकल जाऊंगा मनाली को। देख सकते हो हमारा दाई है और आगे, ओहो इतना बड़ा बड़ा बॉस है यार, काला काला धुआं फेंक रहा है। मेरा साइकिल को गाइस पूरा पीछे बैक साइड में डाल के लेकर जा रहा हूँ, वाह मजा आएगा। भाई मैं मना कैसे कर सकता हूँ, तो दाई के साथ जाएंगे। बिजी क्या गए, मेरा गोप्रो है ना, पर मैं इतना ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता गोप्रो से। इसको बोलते हैं घोड़ा चौक और जो घोड़ा के ऊपर है ना वो है लद्दाख का राजा, ये देखो
तो कौन सा राजा? सिंगे नाम का। अच्छा पता का स्कूल का बस कितना ज्यादा है यार, कितना 10 गाड़ी है क्या दाई? 20-25 होगा। ओह माय गॉड, पहले गाइस स्टूडेंट को प्रायोरिटी देता है लद्दाख में। जब तक ये स्कूल का गाड़ी चला नहीं जाता ना, तब तक हमको ऐसे रुकना पड़ेगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा, स्कूल स्टूडेंट को प्रायोरिटी देता है ना। ए देखो मामा, ये पब्लिक स्कूल बस है। और ये देखो भाई जाम, स्कूल का बस की वजह से पूरा जाम होता है। ये देखो म्यूजियम लद्दाख फोर्ट, वाओ किला। ओ हो, ये राजा का जो किला होता है ना ऐसे, ओ बस फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ये भी, जहाँ पर सिपाही बैठते थे। ये लाइन है चांगसपा, यहाँ पर बहुत टूरिस्ट आते हैं। और मैं पूछने वाला हूँ यहाँ से समथिंग आधा किलोमीटर, यहाँ से गाइस लेफ्ट जाना पड़ेगा सीधा। और यहाँ पर पूरा नदी है ना, इतना ज्यादा मछली है। लो जी भाई हम पहुँच गए कर्मा दाई के हाउस में, अभी साइकिल को उतारना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दाई है, ये धीरे हेल्प कर दिन भाग में। दाई जा रहा है गाइस वापस, दाई धन्यवाद है ये धीरे सपोर्ट कर दिन भाग में। हुन्छ हुन्छ हस् त बाई बाई। सो गाइस दाई चला गया, अब मैं भी जाऊँगा। मैंने फ्लैग वगैरह निकाल दिया, अब इसको धोएंगे और इसको कल पूरा बांधेंगे। इसको बैनर भी बनाना जाना है यार बाजार में। मैं पहुंच गया दाई के हाउस में, क्या हाल चाल भाई लोग आए? भाई लोग आए आपका दोस्त? नहीं गेस्ट। अच्छा अच्छा, ओहो चलो 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 ठीक है। पूरा क्लाइंट आ गया, अभी यहाँ पर रेस्ट करेंगे और उसके बाद मैं तो बाजार निकलूंगा, बैनर वगैरह बनाना है। हमारा रूम का हालत बुरा बात मानना भाई, जब भी लड़के लोग भेजते थे ऐसे होते है रूम का हालत। वैसे तो काफी सुंदर रूम है दाई का। फिलहाल गाइस हम निकल रहे हैं बाजार, दाई और मैं जाएंगे बाजार जाएंगे, और उसके बाद गाइस मेरा बैनर वगैरह भी बनाना है। तभी मिल गया भाई, ये देखो। ओ भाई गिटार, लद्दाख की गिटार,